सेकंड सब्जेक्ट गुजराती, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। आपको निकालना है पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 14। अ विसर्ग अह, ए ओ। हम आज कौन कौन से सीखने वाले हैं लेटर, अह, ए और ओ। अब सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया है अ विसर्ग अह। इसके आगे हमने चैप्टर नंबर 13 में अनुस्वार जो था वो सीखा, तो अब हम क्या सीखेंगे, अम के बाद आता है अह। तो आपको कोई भी लेटर के पीछे इस तरह से दो डॉट करके यानी कि विसर्ग करके दिया हो तो उसको किस तरह से रीड करते हैं, चलो मैं सिखाती हूँ। त प्लस ह इक्वल टू तह, इसे किस तरह से बोलते हैं, तह, रेड कलर का है तह। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्वतः, एक बार फिर से रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए, स्वतः। ये पिक्चर है म प्लस विसर्ग इक्वल टू मह, यानी कि ये जो दो डॉट है विसर्ग है, इसका आपको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है, ह की तौर पे, म ह नमः। ये तो हुई बात अ विसर्ग अह की, तो अब हम सीखेंगे ए। अब देखिए ये और ये दोनों ए ही कहलाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अ के ऊपर अगर एक मात्रा की जाए तो ये है ये ए, ए एक नो ए, लेकिन ये जो है ए तो ये मात्रा का उल्टा रूप यहाँ पे दिया है, उल्टा स्वरूप, तो ये कहलाएगा ए। ये जब भी कोई भी इंग्लिश वर्ड दिया हो तब इस तरह का सिंबल साइन यूज किया जाता है ए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से आपको ये सिंबल लिखना है। अब यहाँ पे दो इंग्लिश वर्ड लिख के दिखाए हैं, बेट, ब प्लस ए इक्वल टू बेट, और इसी तरह से यहाँ पे रैकेट लिख के दिया है। तो ये वर्ड आपने देख लिए, अब हम सीखेंगे ओ वाले वर्ड। तो यहाँ पे भी आपको इंग्लिश के जो वर्ड है वो गुजराती में लिख के दिए हैं, इसलिए इसमें हम इस तरह से साइन यूज करेंगे, ओ, ब प्लस ओ इक्वल टू बो, बॉल। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है बॉल का, और यहाँ पे ये सारे प्लेयर है वो क्या खेल रहे हैं, हॉकी। तो हॉकी में हो लिखा है वो आपको इस तरह से लिखना है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 45 पे। महावरो अ, वाचो अने लखो अह। सबसे पहले हम जो वर्ड सीखने वाले हैं वो है अ विसर्ग अह के, इसे क्या कहते हैं, नमः, नमः, पुनः यानी कि फिर से, अतः उषः काल यानी कि शाम का समय, और दुखी यानी कि सैड। देखिए ये तीन वर्ड है उसमें लास्ट में विसर्ग दिए हैं, लेकिन ये जो लास्ट टू वर्ड दिए हैं आपको उसमें बीच में आपको विसर्ग दिया है। एक बार फिर से रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए और ये इसको टू टाइम अच्छे राइटिंग में लिखिए, नमः, पुनः, अतः, उषः काल, और लास्ट में है दुखी यानी कि सैड। अब हम देखते हैं ए वाले वर्ड्स यानी कि इंग्लिश वर्ड को हम गुजराती में लिखेंगे, तो हमें किस तरह से ऊपर लिखना है, ये उल्टी साइन करनी है, ए, हेलो, कैच, मैच, गैस और कैन। ये सारे फाइव वर्ड जो हमने सीखे वो है इंग्लिश वर्ड, लेकिन उसको गुजराती में लिखा है, तो हमें ऊपर इस तरह से उसको देन लिखना है, हेलो, कैच, मैच, गैस और कैन। अब हम सीखते हैं ओ वाले वर्ड्स, तो वो भी हमें फाइव वर्ड यहाँ पे दिए हैं, टॉस, जॉन, मोल, ऑयल और लॉक। एक बार फिर से, टॉस, जॉन, मोल, ऑयल और लॉक। पेज नंबर 45 आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं स्वाध्याय आ, चित्रों ओळखो, शब्दों वाचो अने लखो। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, सबसे पहला पिक्चर कौन सा है, डॉक्टर। देखिए यहाँ पे आपको
डॉक्टर है वो इंग्लिश वर्ड है, इसलिए उसको किस तरह से लिखना है, इस तरह से। लेकिन डॉक्टर को अगर आप पूछेंगे कि डॉक्टर वर्ड इंग्लिश है तो उसका गुजराती क्या होता है, गुजराती में उसको डॉक्टर या तो वैद इस तरह से कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लिखा है इसलिए आपको वन टाइम उसको यहाँ पे लिखना है। ये पिक्चर है कॉफी का, तो कॉफी भी इंग्लिश वर्ड है इसलिए आपको इस तरह से साइन बनानी है। हैट यानी कि टोपी, फैन यानी कि पंखो, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश नाम ही लिखना है वन टाइम। अब है लास्ट क्वेश्चन ई, चित्रों ओळखो, शब्दों लखो अने वाक्यों पूर्ण करो। यहाँ पे आपको ब्लैंक दी है लेकिन ब्लैंक में जो आंसर आता है उसका पिक्चर दी है। अब आपको सोचना है कि सही आंसर कौन सा है। फर्स्ट लिखा है निपाए ब्लैंक धोयू, निपाए ब्लैंक धोयू, तो आंसर आएगा फ्रॉक। देखिए यहाँ पे पिक्चर है फ्रॉक का, लेकिन आपको फ्रॉक किस तरह से लिखना है, फॉ लिख के एक और लाइन यहाँ पे क्रॉस लाइन बनानी है, यानी कि ये बनेगा र, फ्रॉक, निपाए फ्रॉक धोयू। नंबर सेकंड, मारो ब्लैंक आप, पिक्चर कौन सा है, कैमेरो, मारो कैमेरो आप। रियाए ब्लैंक चालू करियो, रियाए फैन चालू करियो, आंसर आएगा फैन। और लास्ट यहाँ पे ब्लैंक है साहिल ब्लैंक अने ब्लैंक लावियो, साहिल ब्लैंक अने ब्लैंक लावियो। ये पिक्चर है बैट और ये है बॉल, साहिल बैट अने बॉल लावियो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के लर्न करना है।